नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, बोहर थ्योरी ऑफ एच लाइक एटम्स, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो बोहर थ्योरी है, सबसे पहला बोहर फर्स्ट पॉस्टुलेट या फिर बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करें तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गाइज, एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एम वी एन आर एन, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है हमारा, एन एच क्रॉस। यहाँ पे हमारा एच क्रॉस क्या है गाइज, रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो इसके इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो जो हमारा एच क्रॉस होता है उसकी वैल्यू एच अपॉन टू पाई भी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, ठीक है, इसका बाद में अभी यूज करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करेगा इस फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन हो रही है, सपोज कीजिए आपके पास दो लेवल्स है ई टू और ई वन, ठीक है। तो वहां पे जो भी फ्रिक्वेंसी है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है गाइस डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी की बात करें तो डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो एच न्यू है, यहाँ से न्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, फ्रिक्वेंसी बता करनी है, ठीक है। तो डेल ई जो है गाइज हमारा ई टू माइनस ई वन हो सकता है, ठीक है ना, मतलब हमारा जो लास्ट जो हाइएस्ट एनर्जी लेवल है माइनस लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो वहाँ से हम उसका जो डिफरेंस निकाल सकते हैं, एनर्जी वो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, एच हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप देखिए गाइज, यहाँ से अपने बहुत फॉर्मूलाज की बात करते हैं, इन सभी का यूज़ होगा, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बोहर फॉर्मूला के बारे में। द रिजल्ट ऑफ द बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी समराइज्ड इन टर्म्स ऑफ द थ्री सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भी हमारा बोहर थ्योरी था हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, तो उसका जो भी इसका रिजल्ट था गाइज, उसको हम तीन सिंपल फॉर्मूलाज में समराइज कर सकते हैं। तो पहला क्या है गाइज, द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो जितने भी हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे उनके रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, उनके एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और जो भी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट, तो जो भी ऑर्बिट है हमारे पास उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए गाइज, लेट द चार्ज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस बी जेड ई, ओके। तो यहां पे जो भी हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है सपोज कि जेड ई, ओके। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन कैरीज द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई, और जो हमारा वहां पे इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन, तो सपोज कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑर्बिट का जो रेडियस है आर एन में अगर है, ठीक है ना, वहां पे अगर लाइक कर रहा है, तो वहां पे कंडीशन आ जाती है गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, कूलॉम फोर्स वाला, जेड ई स्क्वायर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर, ठीक है ना, पता है ना आप सभी को, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो हमने एटॉमिक न्यूक्लियस जो ले लिया था जेड ई ले लिया था, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था कैरी कितना कर रहा था, चार्ज ई कर रहा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या, एम वी स्क्वायर अपन आर होता है ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी उस nth लेवल में वेलोसिटी होगी, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बाद जो भी ऑर्बिट उनका रेडियस होगा, ठीक है, तो एन एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए गाइज यहाँ पे वी एन, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो हम अपनी वैल्यू यहाँ से रीअरेंज कर सकते हैं, देखिए जो पहला मैंने इक्वेशन बनाया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो वी एन या फिर वी, यहाँ से वैल्यू आप रीअरेंज करना चाहो तो क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म में लिखिए, ठीक है, रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट को साइड में रखते हैं हम, अपना एन एच अपॉन टू पाई ही लेके चलेंगे, ओके। तो यहाँ से अगर बात करेगा तो वी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन एच अपॉन टू पाई इंटू एम आर एन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया, इसी को हम पुट कर देंगे, तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो उसका हमें होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है ना, और हमारा ये टू पाई का होल स्क्वायर मतलब फोर पाई स्क्वायर है ना, ठीक है। तो वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे साइड में पुट कर दी, और देखिए गाइस यहाँ से हम आप चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे आप आर एन की, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है गाइस nth ऑर्डर का, ठीक है ना, जो भी हमारा ऑर्बिट है अगर nth ऑर्डर तक है तो उसका ये रेडियस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म होता है गाइस, अगर आप के इज इक्वल टू जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लेके चलते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे की अगर लेके चलते हो तो आप कई बुक्स में ऐसा भी देखोगे, ठीक है। तो आर एन इज इक्वल टू 1/k n² h² / 4 पाई स्क्वायर z e² m,
ठीक है, यहाँ पे जो हमारा की है गाइस आपको पता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू एसआई यूनिट जो भी है 9 × 10^9 एसआई यूनिट जो भी इसकी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है गाइस, ये क्या है, हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गाइस वेलोसिटी ऑफ एंथ ऑर्बिट, ठीक है, तो वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 εnh, ठीक है। यहाँ से जो भी हमारा वी एन है गाइस एक और फॉर्म में आ सकता है, अगर आप की इज इक्वल टू वो जो अभी ऊपर मैंने वैल्यू बताई ना 1/4 εnh, उसको अगर लेके नहीं चलते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वैल्यू आएगी, अगर लेके चलते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आपको याद होना चाहिए गाइस कि अगर आप वहां पे के अगर दिखे तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि वो के एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो वो हमारा 1/4 εnh होगा, जो कि कई बार लिखा भी जा सकता है और कई बार नहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए गाइस, अब हमारे पास टोटल एनर्जी का हमारा ऑर्बिट का हो गया, उसके बाद वेलोसिटी का हो गया, और देखते हैं हमारा टोटल एनर्जी कितना हो सकता है। टोटल एनर्जी आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल जो हमारा टोटल एनर्जी है गाइस ये बचेगा, ई एन इज इक्वल टू -mZ²e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे आर इनफाइनाइट से हम थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट है ये, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट जो भी होता है आर इनफिनिट, इसका जो वैल्यू होता है देख लीजिए, mE⁴/8C⁶² h³, ठीक है ना। इसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.097 × 10^7 m², ठीक है। तो उसके बाद जब हमने आर इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दिया तो गाइज उसके बाद हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी और रिडबर्ग कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, -Z²hc/n², ठीक है ना, याद रहे, ठीक है। अगर बात करें गाइस फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मासेस, तो जो हमारा ई एन होता है मतलब nth लेवल के लिए एनर्जी जो होती है हमें टोटल एनर्जी, वो कितना हो जाता है, -13.6 εn²Z², ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है ना ये हमारा निगेटिव में है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है गाइस जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है ना वो हमारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ठीक है ना, तो हमारा निगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है, ओके। उसके बाद अगर बात करेगा इस फाइनाइट न्यूक्लियर मास करेक्शन, ठीक है, तो रिड्यूस मास आपको पता है म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो गाइस, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस जो भी है एच एटम्स के लिए, जो मास ऑफ प्रोटॉन के इज इक्वल टू हो सकता है ना, ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन होता है गाइस 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उसके बाद जब इसकी वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, तो एम न्यूक्लियस जो था उसकी वैल्यू की जगह पर अगर ये आप रखते हो, ठीक है, तो आपका वैल्यू ये हो जाएगा ना, एम न्यूक्लियस की जगह पे आप रख लो 1836 एम ई इंटू एम ई तो था ही, ठीक है, और 1836 एम ई प्लस एम ई, ठीक है, तो ये एम ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 1837 हो जाएगा, ठीक है। तो एम ई से एम ई कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर एक एम ई बच जाएगा और हमारे पास 18 ये 37 ये वाला 37 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि 1837 + 1 मतलब 1837 हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ओके। उसके बाद अगर बात करें गाइस, जो भी हमारा म्यू एच होता है वो हमारे एम ई से लेस देन होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। उसके बाद अगर फाइनाइट न्यूक्लियर मास की बात करें तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, ओके, इनफाइनाइट जो भी होता है वैल्यू इसकी, ठीक है, तो क्लियर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर आप चाहो गाइस तो इसको हम सी न्यू बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो न्यू बार है इसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1 λ होता है, और लैम्डा 1 λ इज इक्वल टू क्या, आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/(nF²) -1/(nI²), ओके। उसके बाद अगर बात करेगा इस हमारा जो लाइमन सीरीज होता है, इसमें जो फाइनल जो nth लेवल होता है वो हमारा कितना होता है, फाइनल हमारा nF इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसका अगर मिनिमम बात करें, ठीक है ना, हमारा जो भी लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू हाई मिनिमम कितना होता है, 912 angstrom, और यहाँ पे n इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और n इक्वल टू 1 होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है हमारा ये वाला पोर्सन इनफाइनाइट हो जाएगा और ये वाला हमारा पोर्सन 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। उसके बाद अगर बात करेगा देख लो आप लोग, हमारा जो भी है लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो 1215 angstrom, और यहाँ पे एन जो फाइनल है हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा जो इनिशियल है वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें गाइस, ये सारी चीज़ हमने कहाँ पे ऑब्जर्व करी, अपने ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करी है, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस हमारा बामर सीरीज़ का, इसमें जो फाइनल हमारा एन होता है वो हमारा एन एफ इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 λ आर इनफाइनाइट इन ब्रैकेट 1/2² -1/(nI²), ओके, और यहाँ पे Z², ठीक है ना, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गाइस हमारा एन इज इक्वल टू
थ्री टू एन इज इक्वल टू टू फॉर एच अल्फा लाइन, ठीक है ना, और एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू टू फॉर एच बीटा लाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स है जो आप सभी को आई होप क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा बहुत बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के जो भी फॉर्मूलाज है गाइस आप सभी को याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में हमेशा यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आप भले ही किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे, आप सभी को ये फॉर्मूला याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमें पहली बार देख रहे हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट है जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले, तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हमें काफी मोटिवेशन लास्ट वीडियो के लाइक और आपके कमेंट से मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रहे, हमेशा किया कीजिए, ठीक है, हमें अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।